everyone, I'm Dr. Shafila from Igloo Dost. Welcome to session 1, 2, 3 of Environmental Studies. Environmental Studies is one of the subject of graduation courses of Igloo. The exam pattern for this paper is objective, and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of Igloo Dost will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of the session, that is the present growth rate of humans is. So basically, aapko population growth rate batana hai annually kitna hai. Options are 1.1%, 2.1%, 3% or 3.5%. Dekho, annually jo human population growth rate hai, that is 75 million people are added annually, ठीक है, या 75 million people every year add होते हैं हमारी population में. So this the growth rate इसके accordingly कितना हुआ, 1.1%. So 1.1% is growth rate of human where 75 million people added every year. Clear? So answer is A. Then which one of the following is the main reason for decrease in per capita income? किसके कारण पर पर्सन इनकम डिक्रीज हो रहा है, क्या मेन रीजन है? ऑप्शंस आर ड्यू टू डिक्रीज इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होते हैं द सर्विसेज या गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस, ठीक है. टोटल कितनी सर्विसेज या हम लोग गुड्स प्रोड्यूस करते हैं एवरी ईयर, चाहे हम लोग इंडिविजुअली कर रहे हैं चाहे बिजनेसेस हमारी कंट्री के कर रहे हैं. सो दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. क्लियर? ड्यू टू डिक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ, क्या पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो रही है इस वजह से हमारी इनकम पर कैपिटा इनकम डिक्रीज हो रही है. ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ, क्या हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है जिसके कारण पर कैपिटा इनकम जो है वो डिक्रीज हो रही है. ड्यू टू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, शायद इसलिए इनकम हमारी कम हो रही है क्योंकि हमें सब में चाहे वो पुअर बैकग्राउंड से है चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से है, हमें सब में इक्विटी एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है इनकम का, शायद इसलिए कम हो रही है. सो करेक्ट आंसर इज पॉपुलेशन का बढ़ना. हर चीज का जो रीजन है ना, मेन कारण जो है, जो भी प्रॉब्लम है, सो दैट इज पॉपुलेशन. हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रहा है जिसके कारण पर कैपिटा और पर पर्सन जो इनकम है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है. सो वो पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ने के कारण जो डी ऑप्शन है ना, इक्विटेबल इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रोथ इन पॉपुलेशन. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही नहीं, ठीक है. और डिक्रीज इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये तो है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी कम हो रहा है. क्यों कम हो रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहे हैं. सो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण सारे इश्यूज हैं. सो करेक्ट आंसर इज सी. देन व्हाट इज द रीजन फॉर पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड माल न्यूट्रिशन इन इंडिया? सो क्यों लोगों का स्टैंडर्ड जो है वो पुअर है, ठीक है, इंडिया में, और उनका जो माल न्यूट्रिशन इन इंडिया, मतलब लोगों में डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, क्यों उनकी डाइट जो है वो बैलेंस नहीं है, क्यों अंडर नरिश्ड है लोग, ठीक है. ऑप्शंस आर ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशंस, ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, due to absence of natural resources, due to poor economy of India. देखो, अगर हम environmental conditions की बात करें, उनको कहीं ना कहीं imbalance करने के लिए we are responsible. So हमारी जो over population है उसके कारण आपका environment imbalance हो रहा है, ठीक है. अगर हमारी population बढ़ रही है उसके कारण natural resources diminish हो रहे हैं. अगर हमारी population बढ़ रही है उसके कारण हमारी जो economy है वो धीरे धीरे poor हो रही है. सो हर चीज का रीजन अगेन इज पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, ठीक है. सो ओवर पॉपुलेशन है, उसी के कारण हम लोगों का जो स्टैंडर्ड है वो पुअर है, उसी के कारण हमारा जो डाइट है, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन की डिमांड्स को, ईटिंग फूड डिमांड्स को पूरा करने के लिए डेफिनेटली हम लोगों को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है. और हम लोग वो कैसे कर रहे हैं? बाय यूजिंग पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चरल क्रॉप, ठीक है, या फिर एक ही तरह के क्रॉप लगा के जो मैक्सिमम लोग खाते हैं वही वीट एंड राइस, वही बार बार उगा के हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी सॉइल को डेफिशिएंट कर रहे हैं इन फ्रॉम सम पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स ओनली, ठीक है. सो हमारी जो अपने लोगों को की नीड्स को, खाने की नीड्स को पूरा करने के लिए
हम लोग जो पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं वो अल्टीमेटली हमारे खाने को क्या बना रही है, अनबैलेंस्ड बना रही है उस डाइट को, उसमें न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो रही है, ठीक है। सो द अल्टीमेट रीजन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स इज पॉपुलेशन। सो करेक्ट आंसर इज बी, ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। व्हाई इट इज इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल द अनएम्प्लॉयड इन इंडिया। सो इंडिया में पॉपुलेशन इतनी है, हम लोग लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं दिला पा रहे? ड्यू टू लैक ऑफ इकोनॉमी, ये तो ट्रू है, इकोनॉमी कम है। ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन ग्रोथ, दिस इज ऑल्सो ट्रू, हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ इतना हाई है कि हम लोग कितने लोगों को तुम एम्प्लॉयमेंट दिलाओगे, ठीक है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट अमंग यूथ। तो डी ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, लोगों को सबको चाहिए एम्प्लॉयमेंट, सबको चाहिए, लेकिन जो ए और सी है दैट इज बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन के पास के कारण हमारी इकोनॉमिक लो है, ओवर पॉपुलेशन के कारण हमारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, एंड हम एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं दिला पा रहे? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन एवरी ईयर बहुत बढ़ रही है, ठीक है। सो आंसर इज बी, ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन ग्रोथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल द अनएम्प्लॉयड इन इंडिया। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज, व्हाट इज द नीड टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। तो अभी जब हमने जितने क्वेश्चंस करे, हमने यही करा कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, हमने करा कि हमारा जो लोगों का जो फूड है उसमें वो मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, माल न्यूट्रिशन है लोग, वो सारी चीजें क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। सो अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, इकोनॉमी भी बढ़ेगी, लोगों को खाना भी आप कह लो कि बैलेंस डाइट भी मिलेगा, माल न्यूट्रिशन भी नहीं होएगा, ठीक है। सो अभी ऑप्शन पढ़ते हैं, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अमंग एग्जिस्टिंग पीपल, टू यूटिलाइज ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज अमंग एग्जिस्टिंग पीपल, टू पार्टिसिपेट इन वॉर अमंग नेबरिंग नेशन, टू इंक्रीज द मोर्टैलिटी रेट इन इंडिया। मोर्टैलिटी का मतलब होता है डेथ रेट, ठीक है। हमने डेथ रेट बढ़ाना है इसलिए, या हम लोगों के साथ नेबरिंग नेशन के साथ लड़ाई करना चाहते हैं इसलिए, या हम सारे नेचुरल रिसोर्सेस को यूटिलाइज करना चाहते हैं इसलिए, या फिर हम हमारे लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। सो दिस इज ट्रू, हमें पॉपुलेशन ग्रोथ को इसलिए कंट्रोल करना है बिकॉज वी वॉन्ट टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ आर पीपल। अगर उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होएगा तो ऑब्वियसली उनका माल न्यूट्रिशन नहीं होएगा, एम्प्लॉयमेंट होएगी, या हमारी इकोनॉमी जो है वो भी पुअर नहीं रहेगी। सो करेक्ट आंसर इज ए। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेशन। सो लर्नर्स, दोज हु आर डूइंग ईदर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम इग्नू, इग्नू दोस्त इज देयर टू हेल्प यू आउट। वी एट इग्नू दोस्त आर प्रोवाइडिंग लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, वी आर गिविंग वैल्यू एडेड नोट्स टू आर लर्नर्स, एंड वी आर ऑल्सो हेल्पिंग आर मेंटर्स फॉर एग्जाम थ्रू एग्जामपीडिया। इन इग्नू दोस्त अ कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट फ्रॉम प्रोफेशनल मेंटर्स इज देयर, हु विल बी हेल्पिंग यू इन कम्प्लीटिंग एंड सबमिटिंग योर असाइनमेंट्स फॉर योर करियर डेवलपमेंट एंड इवन फॉर स्किलिंग योर पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन रीच अस आउट ऑन द नंबर 7594939297 वाया कॉल और व्हाट्सएप। यू कैन ऑल्सो विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इग्नू दोस्त। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।